और अफगान अमन मुहिदे के बाद अमरीका और तालिबान में पहला टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। अमरीकी सदर ने मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को कैदियों का मामला हल करने की यकीन दहानी करवाई। अमरीकी सदर ट्रंप ने तालिबान के नायब सरबरा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को टेलीफोन किया है। अमरीकी सदर ने तालिबान रहनुमा को यकीन दहानी कराई है कि कैदियों के मामले पर वज़ीरे खारिजा पोम्पियो अशरफ गनी से बात करेंगे। तर्जुमान तालिबान के मुताबिक दोहा के मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे दोनों रहनुमाओं की 35 मिनट तक गुफ्तगू हुई है। इस मौके पर जुल्मे खलीलजाद भी मौजूद थे। उधर व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि मेरी तालिबान रहनुमा से अच्छी गुफ्तगू हुई है, हमने तशद्दुद के खात्मे पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका भी तशद्दुद नहीं चाहता, अब देखते हैं कि क्या होता है। I did. I spoke to the leader of the Taliban today. We had a good conversation. We've agreed there's no violence. We don't want violence. We'll see what happens. They're dealing with Afghanistan, but we'll see what happens. Okay? तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा है कि अमरीकी सदर ने इस मौके पर कहा है कि आप लोग अपनी सरजमीन के लिए लड़ रहे हैं। अमरीका तवील अरसे तक अफगानिस्तान में रहा है, लेकिन अब इनखिला हर एक के मफाद में है। जबकि मुल्ला बरादर ने कहा है कि आज़ाद हुकूमत का क्याम अफगानियों का हक है, अगर अमरीका मुहदे की पाबंदी करेगा तो उसके इंतहाई मस्बत असरात होंगे।